अच्छा बेटा, आप ऐसे ही यहाँ पे रुको, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में, हैं? शाबाश। बाबा, आप जाएं, मैं भी वॉशरूम से होके आता हूँ। चलो ठीक है, जाओ मेरा बेटा, जाओ। आप मुसार जरा रुको। जी। जल्दी आ जाना मेरा बेटा, ये ना हो कि मुझे इंतजार करना पड़े। ठीक है बाबा। क्या करूं मैं, क्या करूं? कहां जाऊं, कहां? मेरा परस चोर? नहीं 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 नहीं, मैं चोर नहीं, वो उधर मेरी बहन। मैं तुझे पुलिस के हवाले करता, सबर कर। बाबा, नहीं अंकल, मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे। तुझे जाने दूं? हैं? इस चोर को जाने दूं? तुझे तो मैं मारूंगा भी और पुलिस के हवाले भी करूंगा। हैं? रुके बाबा। रुके बाबा, क्यों मार रहे हैं आप इस गरीब लड़की को? क्या कहा? गरीब? अरे एक नंबर की चोर है ये, तुम्हें क्या पता? तुम नहीं थे यहाँ पे? इसने मेरे जाते हुए रास्ते में जब देखा इधर उधर कोई नहीं था, मेरा पर्स चुरा लिया इसने, इस चोर ने। बाबा, उसकी कोई मजबूरी भी हो सकती है। मजबूरी? चोरों की भी कभी मजबूरी हुई है? चोर चोर होता है, इनकी कोई मजबूरी नहीं होती, सिर्फ नाटक है, नाटक लोगों को लूटने का। अनपढ़ जाहिल गवार लोगों को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम इन बातों को नहीं समझ सकते। फोन लेके आओ गाड़ी से, पुलिस को फोन करो और इसको पुलिस के हवाले करो। हाँ बाबा, होती है मजबूरी, और पुलिस को कॉल करने की जरूरत नहीं। बस हापी से और नहीं चला जा रहा। हापी, मेरा भूख पे बुरा हाल हो रहा है। बहन, मैं तुम्हारी परेशानी समझती हूँ, बस इधर से थोड़ा ही दूर शहर है, फिर मैं तुम्हारे खाने का इंतजाम करती हूँ। लेकिन हापी, बहन यहाँ वॉशरूम किधर है? ये पास ही है, इस तरफ को जाओगे ना तो मिल जाएगा। हाँ बोल, क्या बोल रही थी? यही बोल रही हूँ कि मैंने दो दिन से खाना नहीं खाया, मुझे इतनी भूख लग रही है, मैं कैसे चल सकती हूँ? आप ही, मैं और नहीं चल सकती, वरना मैं मर जाऊंगी। मेरे खाने का इंतजाम करो। अच्छा मेरी बहन, तुम फिक्र ना करो, मैं भी कुछ करती हूँ। तुम इधर बैठो, बैठो इधर, तो बैठो, आराम से बैठो, मैं अभी आई, बस इधर ऐसे टेक लगाओ, मैं अभी आई। मेरी बहन,
किलो बहन। वैसे आप कौन हो? मुझे अपना भाई समझो। बाबा पर्स दे। ये लो बहन, ये कुछ पैसे रख लो। आप और आपकी बहन कुछ खा लेना और कुछ कपड़े ले लेना। हो सके तो मजबूर इंसान की मदद ज़रूर करना, क्योंकि कभी कभी मजबूरी इंसान को गलत रास्ते पर डाल देती है।